इसी तरह मोहब्बत करना, हम अपने बच्चों से सारे मोहब्बत करते हैं क्यों जी? जो जो आपसे अपने बच्चों से मोहब्बत करता है वो जरा हाथ खड़ा करे। सारे करते हैं, कई मेरे भरा हाथ नहीं चुकते, आंदे ने सच्ची गल दसी है ते बस गुजारा ही करीदा। मोहब्बत का मतलब समझ लें, मोहब्बत का मतलब ये कतन नहीं कि आपका बच्चा जो मांगे आप उसको पकड़ा दें, ये कोई मोहब्बत नहीं। मोहब्बत ये है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ वो दें जो उसके लिए मुफीद है। अगर कोई चीज ऐसी आप अपने बच्चे को ले देते हैं जो उसके लिए मुफीद नहीं, तो ये आपकी मोहब्बत नहीं। मसलन बाज़ वालदैन हैं, वो क्या कहते हैं, मेरे को ना अपने बच्चे का रोना नहीं वेख्या जा सकता, जो मर्जी हो जाए, मैं फैसला किया है मैं मजदूरी करा, मैं अपने पेट से जरब लावा, मैं अपने मजे चस्के खत्म करना, मेरा बच्चा इधरों मुंह गल कट दिया उधरों मैं पूरी कर छड़ना, ये कोई अकलमंदी नहीं और ये कोई मोहब्बत भी नहीं। इसलिए कि मोहब्बत का तकाजा है खैरख्वाही, मोहब्बत का तकाजा है खैरख्वाही। आप बच्चे को लेके बाजार जा रहे हैं, आप गुजरे हैं किसी हार्डवेयर की दुकान से, वहाँ छुरियाँ पड़ी हैं, बुगदे पड़े हैं, ठीक है, आपका बच्चा कहता है अब्बा जी 500 छुरी ही लै दो, तो तुसी कहो ये नहीं मैं वेखना कि ये काम मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक, बस ए अद्धी की दर्जन छुरियाँ पैक कर दो, क्यों मेरे पुत्र ने मांग ली। तेरा पुत्र होनी साई बन लगे, तेरा पुत्र 6 साल की उम्र से, तू वेख तो सही कि छुरी इन्हें करना की, इसको ब्लेड पकड़ा दो, इसको रेजर पकड़ा, ओ भाई उसकी जरूरत ही नहीं है, ये उसका नुकसान हो जाएगा। आपका बच्चा कहता है मुझे ना आरसैन में लेके जाए, तो आप कहें कि पुत्र ने फरमाइश ही पहली बारी की थी, फिर पुत्र भी कल्ला कल्ला है, कल्ला कल्ला है, लोग चुम चट के मार छड़ते हैं। ये जो रवैया है ना कि जो उसने मांग लिया मैंने देना, आज आप उसको सैन में ले गए, इसलिए कि आपका बेटा है आने वाले वक्तों में अल्लाह ना करे, मैंने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू देखा, पता नहीं उसका नाम शफकत था, शफकत शायद कोई अदाकार गुजरा माजी का, वो हाफिज़े कुरान भी है, तो उसने अब एक तकरीर में ये बात की, अब दर्स वगैरह वो देता है, अल्लाह का शुक्र है वो पढ़ता है, वो कहता मैंने एक्टिंग देखी थी किसी की, कोई मैंने इस तरह की फिल्म देखी थी, बस मेरे दिमाग में आ गई कि मैंने अदाकार ही बनना है। कहता है तकरीबन 64 साल मेरी उम्र हो गई है, तो 40-45 साल मेरा कैरियर फिल्म इंडस्ट्री का है, लेकिन यकीन करें बेड़ा ही गर्क किया है, अपना भी लोगों की नस्ल का भी, इस चीज़ ने मुझे अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया है, एक फिल्म देख के मैंने अदाकार बनने का फैसला कर लिया लेकिन नुकसान ही किया है, मैं पछता रहा हूँ उस फैसले पर, ना मैं वो फिल्म देखता ना मैं अदाकार बनने का फैसला करता। मेरे भाई जो मैंने कहा ना, बच्चे जो देखते हैं फिर बच्चे वो करते हैं, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बने, उनकी फजूल ख्वाहिशात को पूरा करने से परहेज करें, वक्ती तौर पर रोलेगा, ऐसा ना हो हम ख्याल ना रखें और वो ऐसे किरदार का मालिक बन जाए कि बच्चा भी रोए और बच्चे के माँ बाप भी रोएं। इसलिए ये वक्ती आर्जी चंद मिनट का रोना बर्दाश्त कर लें, लेकिन नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करने में मोहब्बत का नाम लेके बच्चों के साथ तावन करना मुनासिब नहीं है।